गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन फर्स्ट यूनिट फर्स्ट भूगोल एक विषय के रूप में। तो आप हम अध्ययन करेंगे भूगोल एक विषय के रूप में किस तरीके से है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भूगोल होता क्या है। भूगोल को अंग्रेजी भाषा में ज्योग्राफी कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियो का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो ज्योग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी या भूमि का अध्ययन करना। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें कि भूगोल एक विषय के रूप में अगर हम इसके बारे में जाने तो भूगोल एक गत्यात्मक विषय है जिसके विविध पक्षों का पिछले कुछ समय में वैज्ञानिक आधार पर विकास हुआ है। भूगोल पृथ्वी का वर्णन करने वाला शास्त्र ही पृथ्वी का भौतिक स्वरूप हर जगह एक जैसा नहीं है। इसका हम पृथ्वी का हम कुछ समय में वैज्ञानिक आधार पर विकास हुआ है। भूगोल पृथ्वी का वर्णन करने वाला शास्त्र ही पृथ्वी का भौतिक स्वरूप हर जगह एक जैसा नहीं है। इस पर कहीं पठार पर्वत मैदान तो कहीं पे झीलें घाटियां नदियां पाई जाती हैं। तो कहीं आपको समतल मैदान मरुस्थल इत्यादि पाए जाएंगे। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले इन्हीं भौतिक एवं मानवीय तत्वों की भिन्नता का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। आपको क्लियर हो गया होगा कि भूगोल किसे कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न भौतिक तथा मानवीय क्रियाएं की विविधता देखने को मिलती है, इनका अध्ययन करना ही भूगोल का कार्य होता है। भूगोल अथवा ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक प्रसिद्ध यूनानी विज्ञान वैज्ञानिक एरेटोस्थनीस 276 से 194 ईस्वी पूर्व ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल पदों जियो यानी पृथ्वी एवं ग्राफिया यानी अध्ययन करना से या वर्णन करना से प्राप्त किया गया है। इन दोनों पक्षों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी अथवा इसके ऊपर जो कुछ भी पाया जाता है इसके बारे में लिखना अथवा वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। यह हमारा इंट्रोडक्शन होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद आता है हमारा भूगोल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ ज्योग्राफी। पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता पाई जाती है। धरातल इसके भौतिक लक्षण जलवायु उत्पादन जनसंख्या व राजनीतिक विभाजन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अनेक तत्वों में असमानता तथा कई तत्वों में समानता भी पाई जाती है। इसलिए भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तथ्यों के आधार पर हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है आपका भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। ज्ञान का अर्थ हो गया कि जैसे हमारे वनस्पति विज्ञान है मृदा विज्ञान है भौतिक विज्ञान है प्राकृतिक विज्ञान है इन सभी गणित विज्ञान है इन सभी से भूगोल का क्या संबंध है कैसा संबंध है। तो सबसे पहले आता है भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। भूगोल विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों को अपने साथ जोड़ता है। भूगोल और अन्य विज्ञानों के संबंध को दो खंडों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला खंड है आपका भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक से अर्थ हुआ हमारा जहां पर भी वायु स्थल तथा जल में अगर भिन्नता पाई जाती है तो वो किन कारणों से पाई जाती है तो वो होता है हमारा भौतिक भूगोल। प्राकृतिक विज्ञान जो भी हमारे नेचर के अकॉर्डिंग जहां पर जैसा भौतिक भूगोल पाया जाता है वहां पर वैसी ही प्रकृति पाई जाती है। मान लीजिए मरुस्थल है तो मरुस्थल के अंदर आपको कांटेदार झाड़ियां तथा रेत ही रेत पाया जाएगा और मिट्टी पाई जाएगी। जबकि इसके विपरीत अगर हम ठंडे प्रदेशों को देखते हैं तो वहां पर आपको अति शीत जलवायु पाई जाएगी और वहां पर मिट्टी कम पाई जाएगी
रहेगा, पहाड़ इत्यादि अधिक पाए जाएंगे। तो सबसे पहले है भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान के अंतरप्रस्थ है। अंतरप्रस्थ का अर्थ हुआ कि जो भौतिक भूगोल है उसका प्राकृतिक विज्ञान से अति घनिष्ठ संबंध होता है। तो इससे आगे हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी विज्ञानों से संबंध। पहले हमारा भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान, इसी का पृथ्वी विज्ञानों से संबंध किस तरीके से है और भूगोल इसमें क्या भूमिका निभाता है। परंपरागत भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल नामक उप विषयों को सम्मिलित किया जाता है। इन तीनों खंडों का प्राकृतिक विज्ञानों से निकट का संबंध होता है क्योंकि ये अपनी सूचनाओं को क्रमशः भूगर्भ शास्त्र, मौसम विज्ञान और जल विज्ञान से प्राप्त करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पृथ्वी विज्ञानों से संबंध, पृथ्वी पर जैसे भी मौसम विज्ञान होता है या भूगर्भ शास्त्र होता है और जल विज्ञान होता है, इन सभी से हमारा भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान का क्या घनिष्ठता होती है और किस तरीके से ये चेंज करते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है मृदा विज्ञान से संबंध। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रियाएं मृदा के प्रकारों व उनके भौतिक रासायनिक गुणों को जानकारी के लिए मृदा भूगोल पूरी तरह से मृदा विज्ञान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आता है जीव विज्ञान से संबंध। जीव जंतुओं पर भौगोलिक दशाओं के प्रभाव और पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाले जीव भूगोल का निकट संबंध वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से है। यानी इसमें हम देखेंगे कि वनस्पति शास्त्र जैसे प्रकार की विभिन्न स्थानों पर वनस्पति पाई जाएगी, वहां पर उसी प्रकार के प्राणी पाए जाएंगे और उसी से वहां के जो प्राणी और वनस्पति पाए जा रहे उन दोनों के बीच क्या संबंध है, यानी उसका अध्ययन हम करते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत। तो ये होता है जीव विज्ञान से संबंध। गणित से संबंध, प्रक्षेपों व ग्राफ इत्यादि की रचना विभिन्न स्थानों पर समय और समय अंतराल की गणना तथा अक्षांश देशांतरों के निर्धारण के लिए गणित का आधारभूत ज्ञान अनिवार्य है। पृथ्वी का आकार भू आप जो त्रिआयामी है, परंतु भूगोल रेखाओं का आधारभूत उपकरण मानचित्र है जो द्विआयामी है। भू आप जो द्विआयामी में केवल ग्राफी विधि उत्पादन गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपों द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जो भी हमारा गणितीय यानी देशांतर अक्षांश जिसकी भी हम अध्ययन करते हैं उनका हम किस तरीके से गणितीय गणित से संबंध किस तरह से स्थापित करेंगे कि भाई किसी क्षेत्र में कितनी वनस्पति कैसी वनस्पति, तो उसको हम ग्राफ के द्वारा यानी वहां पर कितनी जनसंख्या स्थापित है, वहां का जो कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है, बंजर भूमि है वो कितनी है, वहां पर कैसी वनस्पति पाई जा रही है, इन सब का अध्ययन हम एक मात्रात्मक विधि के द्वारा करते हैं जो हमारे गणित के द्वारा साबित होती है। इसके बाद आता है आपका खगोलीय विज्ञान से संबंध। सौरमंडल के ग्रहों, अन्य आकाशीय पिंड, उनकी गतियां, सूर्य की किरणों का उत्तरायण व दक्षिणायन होना, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का होना जैसी अनेक प्राकृतिक घटनाओं के समुचित उत्तर के लिए भूगोल खगोल विज्ञान का सहारा लेता है। जो भूगोल है वो किस तरीके से खगोल विज्ञान से संबंध है, तो जो भी हमारे आकाश में घटनाएं परिघटनाएं घटित होती है उन सब के बारे में अध्ययन करने के लिए भूगोल खगोल विज्ञान से अपना संबंध स्थापित करता है। इसके बाद आता है भौतिक से संबंध, भौतिकी से संबंध। भौतिकी के नियमों का ज्ञान आकाशीय पिंडों के आकार, विस्तार, पृथ्वी की गतियों, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वार भाटा, अपक्षय और अपरतन जैसी अनेक प्रक्रियाओं को समझने में भूगोल की सहायता करता है।
कहीं पे ऊंचा वज कैसा है और कहीं पर कैसा है, यानी कहीं पर आपको समतल मैदान देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको रेतीली भूमि देखने को मिलेगी। तो हर स्थल पर, स्थल भूमि पर अलग अलग भूभाग जो आप देखें, भूखंड देखने को मिलते हैं, वो आपकी भौतिकी से संबंध स्थापित करते हैं। यानी ये सब परिघटनाएं भौतिक के कारण घटित होती है और इनका अध्ययन हम भूगोल के द्वारा करते हैं। इसके बाद आता है भूगर्भ विज्ञान से संबंध। पृथ्वी की उत्पत्ति, भू आकृतियों का निर्माण, खनिजों व चट्टानों की उत्पत्ति तथा भूकंप एवं ज्वालामुखी उद्भेदन जैसी घटनाओं के अध्ययन के लिए भौतिक भूगोल भूगर्भ विज्ञान का सहारा लेता है। यानी अगर हमें भूगर्भ विज्ञान से संबंध कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो भौतिकी उसमें अहम भूगोल अदा करती है, जो भूगोल का ही एक अध्ययन क्षेत्र है। इसके बाद आता है वनस्पति शास्त्र से संबंध। वनस्पति के प्रकारों, उनके आर्थिक महत्व तथा वृक्षों और पादप समूहों की जीवनी के अध्ययन के लिए भौतिक भूगोल वनस्पति शास्त्र में की जाने वाली अध्ययन को ही हम वनस्पति शास्त्र से संबंध स्थापित करते हैं कि भूगोल का हमारे वनस्पति शास्त्र से क्या संबंध है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये हमारा वीडियो का पार्ट वन है। पार्ट टू में हम इसकी अगली यानी भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान के साथ भूगोल का क्या संबंध है, जो हमारा समाज है, समाज का अर्थ होता है कि समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा समाज के लिए किया जाने वाला कार्य, उसका हमारे भूगोल से क्या संबंध है, वो हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान का भूगोल के साथ क्या संबंध है इसके बारे में अध्ययन किया है और भूगोल का हमें किन किन क्षेत्रों में आवश्यकता होती है उनके बारे में अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।